एक्सरसाइज 4A पेज नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 3 गिवन दैट A इज इक्वल्स टू 3 B इज इक्वल्स टू -5 एंड C इज इक्वल्स टू 6 इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये चारों क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ए है, ए की जगह ए की वैल्यू है, ये रहा 3, इसी तरह 3 अपनी जगह है और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, मैं इसको बिग ब्रैकेट भी बना देती हूँ। अब क्यों बना रही हूँ वो रीज़न बताती हूँ आपको। यहाँ से ये मैंने ब्रैकेट रिमूव किया, ये 3 अपनी जगह काट देती हूँ, ये रहा 3, ये रहा ब्रैकेट और ये रहा 3। अब यहाँ पर जो सी है इसके साथ भी हमें ब्रैकेट में ही नंबर लिखने हैं ना, क्योंकि हमारे पास सी की वैल्यू ये रही 6। ये अब अगर यहाँ पे भी सिंपल ब्रैकेट होता और यहाँ भी होता तो वो फिर मिक्स हो जाता और अजीब लगता। अब यहाँ क्या है, -5 बी की वैल्यू, ये रही बी की वैल्यू -5, ब्रैकेट ओवर कर दिया हमने। 3 अपनी जगह रहने दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट अपनी जगह है, 3 6 18 माइनस माइनस प्लस और ये रहा 5। 3 अपनी जगह है और 18 प्लस 5 इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 23। 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए की जगह है 3 और बी की जगह हमारी वैल्यू -5 पर स्क्वायर, माइनस ए है 3 और सी की वैल्यू है 6। 3 अपनी जगह रहेगा, -5 अपने टेबल में, ये देखेंगे जैसे है ना -5 पर स्क्वायर, इसका क्या मतलब है कि -5 अपने टेबल से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25 और ये रहा माइनस और 3 6 ज़ा 18। अब आप ये देखें, 3 25 ज़ा 75 माइनस 18 और ये रहा 18, ये माइनस करेंगे 1 कैरी इधर, ये हो गया 6 7 6 में से बन गया 5, आंसर आया 57। क्वेश्चन सी, बी की वैल्यू है -5 जबकि ए की वैल्यू है 3, माइनस सी की वैल्यू है 6 और बी की वैल्यू है -5। अब आप देखें दो साइंस आ रही हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा रही हूँ। अब ये -5/3 एज इट इज़ रहने दिया, ये माइनस ऊपर वाले मैंने ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, ये रहा प्लस और 6/5। अब देखें ये सीक्वेंस वाइज जो है ना ऐसा अजीब सा लग रहा है, ये माइनस पहले प्लस बाद में, तो इसकी साइन तो ये है और इसकी साइन ये, तो बेहतर ही है कि हम इसकी सिर्फ जगह चेंज कर दें, कहलाएगा तो एक ही, 6/5 -5/3। अब इन दोनों को देखें, 5 3 ज़ा 15 -5 3 ज़ा 15 3 5 ज़ा 15 ऊपर से आएगा हमारे पास 6 और यहाँ से आएगा 5। अब देखें 3 6 ज़ा 18 -5 5 ज़ा 25 और ये आ गया 15। इन दोनों को माइनस करेंगे, साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की, होगा क्या प्लस माइनस माइनस, 18 के बाद से गिने 19 20 और वो 5 5 एंड 2 7 7/15। अच्छा क्वेश्चन सी हो चुका हमारा, अब हम डी पे हैं। डी क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल है और उसको सॉल्व करना मुश्किल होगा, नहीं जी ऐसा कोई नहीं है, क्वेश्चन इजी है। सेकंड वन ये है कि देख के इजीएस्ट भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है बी को बी से कट करेंगे, सी को सी से, ए को ए से, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि बीच में प्लस की साइन आ रही है तो कैंसिलेशन हरगिज़ नहीं होगी। सबसे पहले हम वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर देते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास -5 प्लस सी की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू 3
प्लस ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू है -5। अब यहाँ पे है साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की होगा क्या, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 जाएगा 1, ये रहा 3, ये रहा सॉरी बड़े नंबर की साइन है ये रहा प्लस, 6 एंड 3 9 और बी की वैल्यू है -5। ये हमारे पास जो 5 लिखा है ना, इसको हम यहाँ पे -5 अभी लिखा रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे गए 1/3, मैं सॉल्यूशन की वजह से आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया है, अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, प्लस माइनस माइनस 9/5, इस तरह करने से ईजीएस्ट हो जाता है। एलसीएम लेंगे क्योंकि बीच में प्लस माइनस आता है तो एलसीएम लिया जाता है, ये रहा 3 5 15 माइनस 3 5 15 5 3 15, ऊपर से आया 1 और ये आया 9, दोनों चीज़ें आ गई अंडर ब्रैकेट, 5 1 5 3 9 27 और ये रहा 15। अच्छा इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर, अच्छा सबसे पहले तो ये देखें साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की होगा क्या, प्लस माइनस माइनस, 27 में से 5 माइनस करेंगे 22/15, ऊपर वाला नंबर यानी आपका न्यूमरेटर बड़ा है तो ये लिखा आपने अंदर और ये लिखा बाहर, ऊपर वाला नंबर हमेशा अंदर आता है नीचे वाला बाहर, जब ऊपर वाला बड़ा नंबर होगा ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर क्या होगा कि हम उसको आगे सॉल्व करेंगे, 15 1 15 1 कैरी इधर, ये हुआ 1, यहाँ आएगा 7, यानी इसको क्लॉकवाइज देखेंगे 1 होल नंबर माइनस तो अपनी जगह रहा, 1 होल नंबर 7/15।